हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हम वापस से उसी टॉपिक का एडवांस का पेपर सॉल्यूशन करेंगे जिसका हमने जेईई मेन में किया है। वही आपका ये जो मिड सेशन है वो फोर्थ नंबर का है। टॉपिक इसके वो हाइड्रोकार्बन हेलोजन डेरिवेटिव एल्कोहल फिनोल ईथर, जेईई मेन का किया। अब हम इसके एडवांस के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप का है। आपको बोला हुआ जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड इन टू वे, SN1 SN2, बोथ रिएक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड लिविंग ग्रुप, व्हाइल SN2 आल्सो डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इस पे भी डिपेंड करती है। देखते हैं क्या क्वेश्चन बनाया है इस पे। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको कंसीडर करनी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी डायग्राम इज करेक्टली लेबल्ड फॉर द अबाउट रिएक्शन। एक को इसको सेकंड नंबर बोला है और इसको फर्स्ट बोला है, तो बहुत सिंपल सा है। वन स्टेप में रिएक्शन करवा रही है तो डेफिनेटली SN2 रिएक्शन हुई है। वन स्टेप में रिएक्शन हो रही है SN2। अब हमें पता है SN2 यहां भी SN2 और यहां भी SN2, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यहां सल्फर अटैक करेगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और यहां OH- अटैक करेगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसको मैं R1 बोलूं, इसको R2 बोलूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी फास्ट होने वाली है? R2 फास्ट होने वाली है R1 से। तो इसका मतलब ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कहां आएगी? यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा आएगी और वहां पे कम आएगी, क्योंकि वो रिएक्शन फास्ट होगी। तो हम ऐसा देखें, मतलब सेकंड की एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। इसमें सेकंड की ज्यादा है नहीं आएगा, इसमें भी सेकंड की ज्यादा है नहीं आएगा, सेकंड की इसमें कम है और इसमें कम है, मतलब सेकंड में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। फिर बोला है कि प्रोडक्ट जो बनेगा इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा CH3OH और इसमें बनेगा CH3H। विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल? यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बना है, यहां कार्बन सल्फर के बीच का बॉन्ड बना है, कार्बन ऑक्सीजन की गुड ओवरलैपिंग होती है, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल किसमें बनेगा? फर्स्ट में बनेगा। तो देखो फर्स्ट, इसमें फर्स्ट का एरो नीचे जा रहा है, इसमें फर्स्ट का एरो ऊपर ही रह गया, तो इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, फिर बोला है इन द फॉलोइंग रिएक्शन द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट। तो ये कौन सी रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन है। एक ये वाली रिएक्शन दी हुई है और एक ये वाली दी हुई है। SN1 रिएक्शन में प्राइमरी, मतलब ये बोलूं SN1 रिएक्शन में ऑब्जर्व है SKI, मतलब सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, ये वाला होता है, और इसमें आइसोटोप लेबलिंग से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप में आइसोटोप लेबलिंग से रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क नहीं आएगा, मतलब इस रिएक्शन का K1 और इस रिएक्शन का K2 ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज नॉट सोल्यूबल इन वॉटर और NH3 सोल्यूशन ऑफ Br2 इन CCl4 इज डीकलराइज ब्रोमीन वॉटर, और ये बनाता है, मतलब डबल बॉन्ड है। अक्स ऑन कंट्रोल ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद CH3S2S, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और गिव वाई एंड दिस। एक तो ये देता है C2H4O2 और एक देता है C8H8O3, ठीक है। वाई कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय रिएक्शन बिटवीन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनोल विद CHCl3KOH। तो पहले हम ऑर्थोमेथॉक्सीफिनोल लिखेंगे, जिससे हम रिएक्शन को आगे देख चुके हैं। ऑर्थो मेथॉक्सी, इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊंगा CHCl3KOH से, तो वापस कौन सी रिएक्शन है? राइमर टीमान रिएक्शन। तो यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे ना जाके पैरा पोजीशन पे आएगा, यहां पे ये बनेगा OH OCH3 और यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। तो ये आपका वाई है, फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला हो ही रहा है C8H8O3, ये आपका वाई है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अक्स? तो पहले OH की पैरा पोजीशन पे CHO ग्रुप आना चाहिए, तो इसमें OH की पैरा पोजीशन पे नहीं है, OH की पैरा पोजीशन पे नहीं है, OH की पैरा पोजीशन पे यहां पे है। देखो अब मैं ये समझा रहा हूं, ये समझ में आ गया, मैं इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को पहले। अब इस कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस करवाता हूं तो ये बनता है इधर O और इधर O। क्या ये वाला फॉर्मूला फॉलो करता है इस फॉर्मूले को C2H4O2 को? जी हां करेगा। ये COH और यहां पे CH2 और ये OH, देख लो C2H4O2 फॉलो कर रहा है। इधर जो बनेगा अपने पास वो बनी जाएगा OH
ओ सी एच थ्री और ये सी ओ एच, ये बन गया। क्लियर? तो इसका मतलब आंसर इसका आएगा वो 4 आएगा। नेक्स्ट अब बोल रहा है कि अक्स को ट्रीटेड कराए विथ कोल्ड एच बी आर, द मेजर प्रोडक्ट वुड बी ऑप्टेन। कोल्ड एच बी आर से कराएंगे तो डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा, डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा। तो ये था अपना अक्स ओ एच ओ सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू ओ एच, यही तो था। अब इस पे कोल्ड एच बी आर से क्या रिएक्शन होगी वो हमें देखनी है। तो कोल्ड एच बी आर से एच प्लस अटैक करेगा, बाहर होगा, रिअरेंज में रेजोनेंस होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। और यहां पे देखो पहले वो एच टू ओ प्लस गया, पॉजिटिव आया रेजोनेंस में, पॉजिटिव यहां आया, तो फाइनली बी आर वहां जाके जुड़ जाएगा ओ सी एच थ्री ओ एच सी एच बी आर और सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ऐसा ऑप्शन सर्च करो भैया, ये रहा थर्ड। ओके, दोनों पैराग्राफ कंप्लीट, मल्टीपल चॉइस में आते हैं। प्रेडिक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। तो देखो पहले ये क्या हुआ, फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? देखो इसमें CH3 का प्लस H भी लग रहा है और इसका प्लस R भी लग रहा है, तो ये वाली रिंग ज्यादा एक्टिव है। अब इसके ऑक्सीजन के ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो पहला प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा CH3, ओके, और इधर लग जाएगा आपके पास CO CH3, ये ऑक्सीजन और ये आपकी हो गई रिंग। उसके बाद CH3MgBr, CH3MgBr, तो CH3MgBr क्या करेगा, एडक्ट प्रोडक्ट बनाएगा यहां पे C CH3 CH3 और ये OH और इधर ये ऑक्सीजन और ये वाला। उसके बाद क्या दिया हुआ है, H+, तो H+ इसको बाहर करेगा, यहां इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो आपसे पूछा कि पहचानिए, तो सबसे पहले ए ये है क्या गलत है, ए ये है, जी हां ए यही है। सी की बात की है तो सी यहां जब अटैक करेगा दो CH3 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में तीसरे नंबर पे होने चाहिए 1 2 3 1 2 3, सी सही है, ये वाला गलत है। तो ए और सी बता दिया है, ये यहां पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। नेक्स्ट C6H14Al2O3Cr2O3A बना है, क्या बनेगा, ये बेंजीन फेमस रिएक्शन है, COHCl गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन क्या बन जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये बनेगा। बोल रहा है कंपाउंड बी फॉर्म सिल्वर मिरर ऑन रिएक्शन विद AgNH3O2 का होल टू आइज और OH, ये टोलेंस रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड मिरर इमेज देता है, सही बात है। कंपाउंड बी कैन बी आल्सो बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्रोमिल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, जी हां टोलुइन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं CrO2Cl2 से और हाइड्रोलाइसिस, तो नाम सुना होगा इटार्ड रिएक्शन होती है, कौन सी इटार्ड रिएक्शन, तो ये इससे भी बन जाएगा, ये भी सही है। कंपाउंड ए कैन आल्सो बी सिंथेसाइज बाय रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद H3PO2A, तो ये बन सकता है क्या, देखो डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन N2+Cl- से करवाऊं किससे, H3PO2 से, तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद जाता है H3PO3 में और ये बेंजीन बनाएगा, ये भी सही है। कंपाउंड बी गिव रेड पीपीटी विद फेलिंग सॉल्यूशन, ना जी ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देती है, तो गलत, 1 2 3 करेक्ट। नेक्स्ट ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका क्या बनेगा। तो आप देखें सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये है कि ये बना और H+ गया, ये यहां से यहां और ये अटैक, तो जैसे ही ये अटैक करेगा H+ आपके पास ये बन जाएगा। अब ये दूसरी रिंग पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यहां आप सोचे, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं,
ये पॉजिटिव और दूसरी रिंग भी ऐसे ही आ गई, यहां से ये पॉजिटिव। अब ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस पे अटैक कर सकता है और ये इस पे अटैक कर सकता है, भाई दो हो सकते हैं ना, एक बार ये जब ये इस रिंग पे अटैक करेगा तो दूसरा एच प्लस इस पे अटैक कर जाएगा, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये वाली। ऐसा प्रोडक्ट हमें दिया गया, जी हाँ सेकंड तो आएगा जाएगा, ये समझ में आ गई बात, बोलो होपफुली समझ में आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। अरे H प्लस गया, इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल दूसरी रिंग पे अटैक करेगा तो पहला प्रोडक्ट तो बनेगा ये वाला, मैं वापस इसको समझा देता हूं, पहला प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला और यहां पे क्या है डबल बॉन्ड, फिर वापस H प्लस आएगा और यहां पॉजिटिव आएगा तो इस पे अटैक कर जाएगा, ये बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है इसमें कि जब आपने ये बनाया पॉजिटिव तो डबल बॉन्ड पे क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, तो यहां पे मैं पी एच और ये लो, तो ये डबल बॉन्ड पे एडिशन दे सकता है, तो डबल बॉन्ड पे एडिशन देगा तो ये किस तरह घूमेगा, वही ये यहां से यहां और ये टेक, तो क्या बना, उधर तो बन गया आपके पास ये रिंग पे अटैक हो गया और इधर से आपके पास इधर जो आएगा, दोबारा बताते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है ठीक है, और आपके पास दिया हुआ है वहां पे ये वाला, अब डबल बॉन्ड पे अटैक करने कर सकता है क्या, जी हां कर सकता है, तो ये यहां से यहां और ये इस पे अटैक कर गया तो क्या बना, ये यहां से जुड़ गया, इधर रिंग है और ये पॉजिटिव आ गया, अब ये पॉजिटिव इस रिंग पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, तो वन ऑफ द पॉसिबल प्रोडक्ट दिस आल्सो, ये लो कितने मेंबर रिंग बनी, फाइव मेंबर रिंग, ये वाला रहा, क्लियर समझ में आ गया भाई, जैसे ये पॉजिटिव ना एक कार्बन बीच में है ऐसे, तो इनसे ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, देख लो आप आराम से ठीक है। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल अंडरगो रिएक्शन फास्टर देन C2H5Br विद OH माइनस DMHO, DMSO, तो देखो ये NGP इसमें है, NGP वाली फास्ट होगी, इसमें भी NGP है, ये भी फास्ट होगी, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही रिएक्शन में NGP है, ये फास्ट होगी और ये वाली फास्ट नहीं होगी, ये सिंपल SN2C होगी तो SN2, तो ये तो फास्ट देगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसको ये कन्वर्जन करना है, द करेक्ट स्टेटमेंट कंसीडरिंग द अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इज आर, कौन सा सही होगा, इफ फर्स्ट इज ट्रीटेड विद Na, तो अगर मैं अब मैं एक एक ऑप्शन को इसी में समझाऊंगा, Na ने रिएक्ट किया तो यहां पे क्या बना, O माइनस Na प्लस, CH3I से रिएक्शन करवाऊं CH3I से तो ये अटैक करेगा और ये यहां से यहां तो ये बन जाएगा, जी हाँ, इफ फर्स्ट इज ट्रीटेड विद Na फॉलोड बाय एडिशन CH3 गिव सेकंड विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जी हाँ क्योंकि कार्य सेंटर पे रिएक्शन हुई नहीं है तो फर्स्ट सही है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड बोला है इफ फर्स्ट इज ट्रीटेड विद TSCl तो TSCl से रिएक्शन कराओ तो यहां क्या हो जाएगा, OTS बन जाएगा, एडिशन ऑफ CH3O माइनस Na गिव सेकंड विद इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, अब बोल रहा है कि O माइनस CH3 तो O माइनस CH3 दूंगा तो ये SN2 हुई तो इन्वर्जन हो जाएगा इसमें, तो इन्वर्जन के साथ सेकंड प्रोडक्ट दे देगा तो ये भी सही है। इफ फर्स्ट इज फर्स्ट हीटेड विथ कंसंट्रेटेड एस्टोसोपोर, सबसे पहले कंसंट्रेटेड एस्टोसोपोर से हीट करोगे तो ये डबल बॉन्ड आएगा, डिहाइड्रेशन होगा, H2O क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, फिर बोल रहा है एडिशन ऑफ CH3OH इन डाइल्यूट एस्टोसोपोर, तो डाइल्यूट एस्टोसोपोर में पहले H प्लस और आपको दिया है CH3OH तो ये यहां से यहां तो पहले ये इधर H आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, अब जो OCH3 अटैक करेगा किसका, एल्कोहल का, तो वो अबाउ द प्लेन भी आ सकता है, बिलो द प्लेन भी आ सकता है, रेसेमिक मिक्सर बनेगा क्या, जी हाँ रेसेमिक मिक्सर बनेगा सेकंड का, तो ये भी सही है। अब फर्स्ट इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड एस्टोसोपोर तो एल्कीन बन गई,
फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विथ ये ओ एम डी एम ऑक्सी मर्क्यूरिएशन डी मर्क्यूरिएशन वाली रिएक्शन है एंड फाइनली रिड्यूसिंग द मर्क्यूरियम आयन इंटरमीडिएट विथ एनएबीएच फॉर गिव ए प्योर एनएनसोमर ओपेच ना प्योर एनएनसोमर का तो देने का मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि यहां जो आएगा वो सेम है तो ओ एच इधर जा सकता है एच इधर आ सकता है एक पॉसिबिलिटी इसकी दूसरी मिरर इमेज बनेगी इधर एच और इधर ओ एच तो प्योर ये गलत हो गया प्योर ओपन एनसोमर नहीं देगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है तो एंटी रहेंगे एच और ओ एच बट दोनों पॉसिबिलिटी है ओ एच उधर ओ एच इधर भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन रीअरेंजमेंट पॉसिबल प्रोडक्ट इज आर आपको डाइओल दिया है कंसंट्रेट एस्टोसोपोर हीट दिया है नाम याद आ गया होगा पिनिकोल रीअरेंजमेंट पिनिकोल रीअरेंजमेंट। तो देखो मुझे यहां ड्राइविंग फोर्स क्या है कार्बन ऑक्सीजन की हाई बॉन्ड एनर्जी इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है तो मैं सबसे पहले पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि ये H2O बाहर जाए तो एक पॉसिबिलिटी ये वाली और ये पॉजिटिव कहां लगा ये भी पॉजिटिव है और ये CH3 और ये OH12 मिथाइल शिफ्ट हो जाए यहां पे क्या है CH3 और ये OH और ये पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड O में जनरेट हो जाएगा डबल बॉन्ड O वन ऑफ द पॉसिबल प्रोडक्ट जो कि ये वाला है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है ये CH3 ना आए ये तो CH3 शिफ्ट हुआ ना इसमें ही हो जाए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूं रिंग कॉन्ट्रेक्शन तो ये यहां से यहां जाएगा तो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा क्या ये 5 थी इधर भी 5 है ठीक है और इधर आपके पास ये CH3 और ये OH पॉजिटिव है अब ये यहां से यहां आ जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बना सकता है जस्ट बार वाले कार्बन पे तो ये वाला प्रोडक्ट बना सकता है नहीं समझ में आई बात बोलो समझ में आएगी नहीं आएगी इस प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी COCH3 रिंग कॉन्ट्रेक्शन जब होगा तो रिंग कॉन्ट्रेक्शन में COCH3 बन जाएगा यहां से बात करें अपन रिंग कॉन्ट्रेक्शन या फिर एक मिनट दूसरा पॉसिबिलिटी हम देखते हैं वापस से इसकी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी इसकी पॉसिबिलिटी आएगी इसकी पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी भैया तो OH अगर वो जाए तो यहां से रिंग एक्सपेंशन हाँ ठीक है एक पॉसिबिलिटी ये OH जाए और इस रिंग का क्या हो जाए एक्सपेंशन हो जाए तो जैसे ये रिंग बनेगी तो ये रिंग 5 मेंबर रिंग हो जाएगी ऐसे वाली और यहां पे आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड ओ ये पॉसिबिलिटी है तो आंसर जो एक और आएगा वो आएगा सेकंड वाला ठीक है समझ में आ गई बात COCH3 दोनों ही रिंग 5 मेंबर रिंग हो जाएगी ये 5 मेंबर रिंग होगा यहां पे ओके ये ऑप्शन सेट नहीं हो रहा भैया तो इसका आंसर जो जाएगा वो केवल इस कंडीशन में जो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट बाकी सेकंड नहीं बनेगा फर्स्ट ही बनेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो ओनली आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट द कंपाउंड बिलो 4 फिनाइल रिंग ये दिया हुआ है और बोला कि कितने Br2 जाएंगे तो मैं 3 मोल Br2 का इस पे क्या होगा एडिशन होगा जिससे क्या होगा यहां पे होगा जिससे इन 3 रिंग की एंटी एरोमेटिसिटी खत्म होगी और एक रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म होगी तो BrBr यहां जोड़ दूंगा BrBr यहां जोड़ दूंगा BrBr यहां जोड़ दूंगा तो 3 रिंग की एंटी एरोमेटिसिटी लेके जाएगा और एक रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी और आगे ब्रोमिनेशन फिर रुक जाएगा तो 3 मोल इसमें काम में आएंगे। नेक्स्ट ये सिंपल क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट आइसोमर ऑफ एल्किन ऑक्सी कैन गिव द अबव रिएक्शन तो ये ओजोनोलाइसिस से बना है ना तो हम इसको रिवाइज करके देख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH दूसरा ये 2 है ये बीच में आएगा डेफिनेटली CO CH3 CH2 CO और ये H उधर आपके पास बच गया CO CH3 और ये ET एक पॉसिबिलिटी ये है
दूसरी पॉसिबिलिटी सी एच थ्री सी एच डबल बोंड ओ, और ये सी डबल बोंड ओ इधर ये एच लगा देता हूं, और ये सी एच टू सी एच थ्री डबल बोंड ओ, और ये डबल बोंड ओ सी, और ये सी एच थ्री, और ये ई टी। तो ये एच टू बार हुआ तो यहां डबल बोंड आएगा, यहां भी डबल बोंड आएगा। एक पॉसिबल आइसोमर ये है, दूसरा पॉसिबल आइसोमर यहां डबल बोंड ओ आ जाएगा, यहां डबल बोंड ओ आ जाएगा, एक आइसोमर पॉसिबल ये है। अब यहां ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शो करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शो करेगा, तो इसके बन जाएंगे 2 की पावर 2 4, और यहां ये भी ज्योमेट्रिकल करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल करेगा, तो यहां भी 2 की पावर 2 कितने बन जाएंगे 4, तो टोटल कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात की है, हाउ मेनी केमिकल टेस्ट कैन बी यूज द डिस्टिंग्विश बिटवीन गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड ऑफ एप्रोप्रिएट मेथेनॉल और एथेन 1,2-diol। तो मेथेनॉल तो क्या हो गया CH3OH और 1,2-diol ये हो गया। पहला रीजन लिखा है पर आयोडिक एसिड टेस्ट, तो पर आयोडिक टेस्ट मतलब HIO4 इसका क्लीवेज करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, तो फर्स्ट सही है। और तो क्रिसोल और बेंजाइल एल्कोल, और तो क्रिसोल लुकास टेस्ट नहीं देगा, बेंजाइल एल्कोल देगा, तो इनको भी डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं, ये भी सही है। एन ब्यूटाइल एल्कोल आइसो ब्यूटाइल एल्कोल दोनों में ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो Na मेटल के साथ ये भी करेगा, ये भी करेगा, इससे नहीं कर सकते। 2-pentanone 3-pentanone आइडोफॉर्म टेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, 2-pentanone आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, 3-pentanone नहीं देगा, तो इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो A को कर सकते हैं, B को कर सकते हैं, D को कर सकते हैं। इथाइल एल्कोल और पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड में कौन सा ग्रुप होता है, फिनोलिक ग्रुप होता है, APCl3 टेस्ट फिनोलिक देगा, इथाइल एल्कोल नहीं देगा, तो इसको भी यूज में ले सकते हैं। इथाइल एल्कोल एंड मिथाइल एल्कोल, जी हाँ इथाइल एल्कोल NaOH हेलोफॉर्म टेस्ट है ये, तो ये इथाइल एल्कोल CH3CH2OH ये वाला देगा, ये वाला नहीं देगा, तो ये वाला, तो इसमें से कितने को कर सकते हैं हम, 5 को हम यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट SN2 सिंपल SN2 पूछा है, डिटरमाइन द हाउ मेनी रिएक्शन आर प्रोसीड बाय SN2। OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा BR, SN2 देगा, यहां ये वाला हाइड्रोलाइसिस, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये SN1 से जाएगा, CH2CH3 हाइड्रोलाइसिस ये होगा, ये बाहर होगा, ये SN2 से जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन नहीं बन रहा, हाई कंसंट्रेशन दी है तो ये भी SN2 से जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल है ये SN1 से जाएगा, एनहाइड्रस HI ऑलवेज गिव SN2, ऑलवेज गिव SN2, तो ये SN2 से जाएगा, और यहां पे HBr सिंपल दिया है तो स्टेबल 3 डिग्री बनाया है, तो ये SN1 से जाएगा, मोइस्ट Ag2O ये भी SN1 से जाएगा, और H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है ये भी SN1 से जाएगा। हमें पूछा SN2 से कितनी रिएक्शन जाने वाली है, तो SN2 से जाने वाली रिएक्शन है 1, एक ये वाली हो गई 1 2 3 4 4। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ SN1 एंड E1 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो विल बी 4 अबाउ रिएक्टेंट, स्टीरियो को इंक्लूड करते हुए आपको बताने कितनी बनेगी। तो स्टीरियो को इंक्लूड करेंगे ना हम, तो स्टीरियो को इंक्लूड करेंगे तो SN1 की बात करूं ना, तो SN1 में देखो एक कार्बोकैटायन ये बनेगा और एक कार्बोकैटायन ये बनेगा, चाहे वो SN1 हो या E1 हो। अब इससे SN1 का प्रोडक्ट बनाता हूं तो ये बनता है, एक मिनट, ये ऐसे है, पूरा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ये और यहां पे कौन आएगा न्यूक्लियोफाइल, 2 कायरल सेंटर है मतलब 4। अब इस कार्बोकैटायन से E1 कितना बनेगा, तो E1 से प्रोडक्ट बनेगा तो एक ये बनेगा, ये H जा सकती है, ठीक है, और ये वाली H भी जा सकती है, एक ये बनेगा। अब इस कार्बोकैटायन से SN1 का बनाऊं तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो ये तो सिंगल ही रहेगा, या कायरल सेंटर जनरेट हो गया, तो इसके कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। इससे इस कार्बोकैटायन से E1 करवाऊंगा तो एक तो इधर से आएगा, ये एक ये वाला आ सकता है, तो यहां कोई स्टीरियो नहीं है, ये GI से करेगा तो 2 इसके हो जाएंगे,
एक इसका हो जाएगा, दो इसका हो जाएगा, यहां ये जीआई शो करेगा, दो बन जाएंगे, ये वाला जीआई शो करेगा इधर से कायरल सेंटर, तो इसके चार बन जाएंगे, तो फोर फोर एट, एट टू टेन, टू ट्वेल्व है, टू फोर्टीन और वन फिफ्टीन। नेक्स्ट, वन थ्री डाइक्लोरोपेंटेन के शुद्ध समावेश ट्राइक्लोरोपेंटेन आपको बनाने हैं, कितने बनेंगे प्राप्त होंगे वो बोला है, और त्रिविम सहित मतलब आपको इंक्लूडिंग स्टीरियो करना है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे। सी एच टू, सी एच थ्री, सी एच टू, सी, ये सी एल, एच सी एच टू, सी एच टू सी एल, ये दिया है। अब देखो इसी में लगाएंगे हम, पहला सी एल यहां जाएगा तो कोई नया कार्य सेंटर जनरेट नहीं हुआ, वन, कोई कार्य सेंटर नया जनरेट नहीं हुआ क्योंकि तो ऑप्टिकली प्योर दिया हुआ आपको। फिर दूसरा सीएल मैंने यहां लगाया तो ये कायरल सेंटर जनरेट होगा, तो इसके कितने बनेंगे, ये कायरल सेंटर जनरेट होगा ना, तो इसका देखो ये अगर आर है तो आर, इसको मान लेता हूं मैं आर है ये, तो आर के साथ आर बनेगा और एस के साथ आर बनेगा, तो दो बनेंगे, क्लियर। यहां लगाऊंगा तो कोई कायरल सेंटर नया जनरेट नहीं होगा, यहां सीएल लगाऊंगा तो एक ही बनेगा, फिर यहां लगाऊंगा तो वही दो बन जाएंगे जैसे ऊपर वाले में बने हैं, और यहां लगाऊंगा तो नया कायरल सेंटर नहीं आएगा तो एक बन जाएगा, तो ट्वेल्व टू थ्री फोर टू सिक्स और वन सेवन हो गए, क्या सेवन आंसर। नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है, एग्जामिन द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ ब्लो बेंजीन, हाउ मेनी कंपाउंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मोर रैपिडली देन बेंजीन, बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव हो, तो देखो इसका प्लस एच लगेगा, एक तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें प्लस आर लगेगा ये भी हो जाएगा, ये प्लस आर लगेगा ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसमें प्लस आर लग रहा है ये भी हो जाएगा, प्लस एच लग रहा है ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फाइव मेंबरिंग ज्यादा होती है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंपाउंड विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, अब ये नहीं पूछा टेस्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कितने कर सकते हैं, डबल बॉन्डेड है तो ये तो करेगा, एल्कोहल है नहीं करेगा, फिनोल करता है, ये डबल बॉन्डेड है कर देगा, ये भी फिनोल है करेगा, ये वाला फिनोल नहीं करेगा क्योंकि और तो पेरा इसकी खाली नहीं है, इसमें ये देता है यहां से डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां से दे देगा, एंटी एरोमेटिक भी देता है, एनएस टू भी देता है, ये नॉन एरोमेटिक है ये भी देगा, ग्लूकोज भी देता है और ये भी देता है, एल्डिहाइड भी, एल्डिहाइड डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, एल्डिहाइड ब्रोमीन वाटर को क्या करते हैं, डीकलराइज करते हैं, फिनोल और एनिलीन भी करते हैं, बट उनकी और तो पैरा खाली होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इसका आ जाएगा इलेवन। तो ये था एडवांस का पेपर, होपफुली समझ में आया होगा, इजी इजी गोइंग पेपर है, कंसेप्चुअल पेपर है, ठीक है, थैंक यू।